हाय दोस्तों, कैसे हो आप? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम अपने पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बनाएं विदाउट थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के। जी हाँ दोस्तों, विदाउट थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के आप अपने पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपके मन में एक सवाल होगा कि बूटेबल मतलब होता क्या है। बेसिकली दोस्तों, सिस्टम को एक फाइल्स की रिक्वायरमेंट होती है आपके आपके सिस्टम को बूट कर सकें। जो फाइल्स की रिक्वायरमेंट है उसको हम बूटेबल कहते हैं। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय दोस्तों, मैं हूँ यासिन एंड यू आर वॉचिंग लर्न मीडिया टेक। तो दोस्तों चलिए हम अपना कमांड ओपन कर लेते हैं, cmd। अब हम इससे कमेंट से हम अपना पेन ड्राइव बूटेबल बनाएंगे। Yes. तो एक ब्लैक पॉपअप ओपन होगा। तो नेक्स्ट आपको ये कमेंट्स हैं यहाँ पे डालना पड़ेगा आपको। हम पहला कमांड है कि डिस्क पार्टर, DISKPART, एंटर। सेकेंड है कि लिस्ट डिस्क, LIST स्पेस DISK। आपके जितने भी डिस्क हैं जो आपके सिस्टम में कनेक्ट होके हैं सारे दिखा देगा। मेरे टोटली 4 होके हैं, डिस्क कनेक्ट होके हैं। तो मैं इसमें 8GB कौन सा है वो देखूंगा। 8GB आए के डिस्क 3 है। तो हम इसको क्या करेंगे, SELECT सेलेक्ट DISK डिस्क 3, सेलेक्ट डिस्क 3। ओके, आपको नेक्स्ट आगे क्लीन, CLEN क्लीन करना पड़ेगा। तो डिस्पाच सिस्ट इन क्लीनिंग द डिस्क। ओके, क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, आपको एक पार्टीशन क्रिएट करना पड़ेगा, CREAT क्रिएट PART PARTITION पार्टीशन प्राइमरी PRIME प्राइमरी सक्सेस। तो आपको सेलेक्ट पार्टीशन 1, जो पार्टीशन क्रिएट कर गया आपको पार्टीशन सेलेक्ट करना पड़ेगा, SELECT सेलेक्ट PARTITION 1 पार्टीशन और सेलेक्टेड पार्टीशन। उसके बाद एक्टिव, जो आपका पार्टीशन है उसको एक्टिव करना पड़ेगा। तो एक्टिव FTIV एक्टिव, दिस पर मार्क द करेंट पार्टीशन एज एक्टिव। तो नेक्स्ट आपको इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा, कौन से फॉर्मेट में चाहिए, फाइल सिस्टम चाहिए उसको। आप इसमें दो तरह हम क्या आते हैं, NTFS और FAT। हम NTFS करेंगे जो बहुत ही एडवांस है, FORMAT फॉर्मेट। FS इज इक्वल्स टू NTFS क्विक QUICK एंटर। तो ये फॉर्मेट होगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, ये जो यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, कहीं अपना खुद का हार्ड डिस्क फॉर्मेट ना कर दो। तो वहाँ पे आपको देख के करना पड़ेगा, वरना आप खुद का हार्ड डिस्क फॉर्मेट कर दो आपका डाटा जाएगा। इसलिए पहले यहाँ पे एक नोट करके उसके बाद यहाँ पे चेक करके आप उसके बाद कीजिए। नेक्स्ट 100% हो गया फॉर्मेट एक्टिव। तो हम नेक्स्ट आके असाइन करेंगे, ASSIGN असाइन। तो दिस पर्सन सक्सेसफुली असाइन द लेटर एंड मस्ट माउंट पॉइंट, तो एग्जिट EXIT। तो इतना ही है इसका। अब हम क्या करेंगे, अपने पेन ड्राइव को जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है सेलेक्ट कर लो आप उसको। मेरे पास इतने ऑपरेटिंग सिस्टम से, मैं इसमें आप आपके विंडोज 7 सेलेक्ट करूँगा। विंडोज 7 सेलेक्ट करके पार्टीशन में जाके सिर्फ कॉपी पेस्ट, इतना ही करना है और कुछ नहीं। इसके बाद आपका पेन ड्राइव तुरंत बूटेबल बन जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद है आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला। अगर से आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। अगर से आपका कोई सजेशन रहा तो कमेंट कीजिए और
आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, वीडियो एडिटिंग के रिलेटेड, फोटो एडिटिंग के रिलेटेड, म्यूजिक प्रोडक्शन, हाउ टू मेक और टेक्स फैक्ट्स लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।